बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 13 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से टॉपिक था हमारा कॉनकेव मिरर। थोड़ा हम लोगों ने पढ़ लिया था कि किस तरह का होता है, और मैंने एनिमेशन भी आप लोग को अपलोड किए। बहुत ही अच्छी एनिमेशन है, यानी कि यहाँ हमें बाकायदा विजन मिले किस तरीके से इमेजेस बनती हैं, कहाँ पर ऑब्जेक्ट रखे तो हमें इमेज कहाँ मिलेगी। आज हम ड्रॉ करेंगे इसकी इमेज डायग्राम, क्योंकि जो पेपर में आ सकती है। यहाँ पे हमारे 6 केसेस हैं, यानी कि 6 मुख्तलिफ लोकेशन पर मैं कहाँ पर ऑब्जेक्ट रखूंगा तो उसकी इमेज मुझे कैसी मिलेगी, उसका साइज कैसा होगा, उसकी नेचर कैसी होगी, तो वो हम आज यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, ग्रिड लाइंस और रूलर इसका इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, तो आप लोगों ने थोड़ी सी मेजरमेंट करने के बाद ड्रॉ करना है, तो वो डायग्राम ज़्यादा एक्यूरेट है। ठीक है, तो कोई सा भी केस हो, हमारे पास ऑब्जेक्ट जो वो एफ के और पी के अंदर है, या एट एफ है, या फिर बिटवीन एफ एंड टू एफ, एफ एंड सी है, कहीं भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है, कोई भी हमारा केस है, तो हमने करना क्या है, सबसे पहले ड्रॉ करना है प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, यहाँ पर ये स्केल बनाना। ठीक है, अब स्केल की मेजरमेंट किस तरीके से, भी मुझे खुद पे आइडिया नहीं लगी, लेकिन हमने मेजरमेंट को सेम लेना है, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। किसी भी तरह की डायग्राम हो, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ ड्रॉ करना प्रिंसिपल एक्सिस को। ये मेरे पास क्या ड्रॉ हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब मुझे कहीं भी ड्रॉ करना है कॉनकेव मिरर को, मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा। काम भी करते हैं कि ये हमारा क्या बन जाएगा, सेंटर। ठीक है, अब यहाँ से हम इसे थोड़ा सा क्रॉप कर लेते हैं तो हमें आसानी हो जाएगी, इतना हिस्सा हम ले लेते हैं। ये 400 है और ये कितना है, 300 पॉइंट, ये सब यहाँ से भी इतना ही हो जाएगा। तो मैंने जो कॉनकेव मिरर को ड्रॉ करना है, तो सेंटर लाइन से मतलब है कि हाइट ऊपर और नीचे दोनों हाइट एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए, ताकि डायग्राम ज़्यादा बेहतर हो सके। अब बाकी जितना भी रिमेनिंग पोर्शन था वो मैंने देखा। तो ये हमारे पास क्या है, यानी कि ये यहाँ पे जो 1300 लिखा हुआ है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, पोल है। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, पोल हो गया। ठीक है, इसको मैं ब्लू पेन से लिख लेता हूँ। ये हमारे पास क्या हो गया, पोल हो गया, यानी कि जो हमारे पास कॉनकेव मिरर था इसका सेंटर पोल हो गया। ठीक है, अब ये यहाँ पर था, मुझे अंदाजन तकरीबन 200 का एक मैं लेंथ लेता हूँ, यहाँ मेरा बन जाएगा फोकस, या फिर 1.5 का, सॉरी 150 का। तो ये डायमेंशन क्या थी, आई डोंट नो, लेकिन ये है कि हमने करना ये है कि जो भी फोकस पॉइंट लेना है एग्जैक्टली उसका डबल हमने क्या लेना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक अंदाजन 150 ले रहा हूँ, 1 2 3 4 इसका सेंटर ये, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, बल्कि हम 200 ले देते हैं। यहाँ पर हमें बस क्या बन गया, फोकस बन गया। ठीक है, अब इसका मजीद डबल जो है ना वो हमने क्या लेना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो करना कुछ भी नहीं है, हमने सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करनी है जिसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद किसी भी जगह मैंने ड्रॉ करना है कॉनकेव मिरर को, ऊपर नीचे दोनों साइड पे हाइट सेम होनी चाहिए। उसके बाद जाके मैं कोई भी मेजरमेंट लूंगा फोकल लेंथ की, अगर हम स्केल से करेंगे तो 2.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, व्हाटएवर, लेकिन जो भी हम मेजरमेंट लेंगे तो वो हमारा क्या बन गया, फोकस पॉइंट हो गया। तो एग्जैक्टली उसी की डबल मेजरमेंट हमारा क्या बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा। तो बस इन बातों का ध्यान रखना है, उसके बाद में किसी भी लोकेशन को मैं ड्रॉ कर लूंगा। ठीक है, जो भी मुझे गिवन होगी, फर्ज करें मेरे पास क्वेश्चन में सवाल ये गिवन है कि अगर मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है वो बियॉन्ड सी है, पार्ट 1, यानी कि मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है ना, इट इज बियॉन्ड सी। तो ऑब्जेक्ट मेरे पास कहाँ रखा हुआ है, बियॉन्ड सी।
यहां मैं ड्रॉ कर दूंगा ऑब्जेक्ट को इधर का, ठीक है। ऑब्जेक्ट की हाइट भी तकरीबन ज्यादा बेहतर यही है कि लेंस की हाइट के बराबर लगे, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट ड्रॉ हो गया, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट की टिप से एक लाइन जाएगी जो कि पैरेलल होगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। वो लाइन स्ट्राइक करेगी मिरर को, इस लाइन ने यहाँ स्ट्राइक किया मिरर को, ठीक है सर। अच्छा, स्ट्राइक करने के बाद ये लाइन कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी। स्ट्राइक करने के बाद ये लाइन पास होगी फोकस से, ये पास हो गई। अच्छा, फिर ऑब्जेक्ट की टिप से हम एक और लाइन को ड्रॉ करेंगे, वो लाइन कहाँ पर जाएगी, पोल पे जाएगी। इसने पोल को स्ट्राइक किया, ठीक है। जब पोल को स्ट्राइक करेगी तो जो एंगल इसका प्रिंसिपल एक्सिस से बना था, ठीक है, अंदाजन, ठीक है, अंदाजन उसी एंगल से ही हम एक रे ड्रॉ करेंगे, अंदाजन सेम एंगल, ठीक है। ये अब तकरीबन नहीं, नहीं अभी तकरीबन सेम लग रहा है, ठीक है। तो ये हम मतलब एक अंदाजन बनाएंगे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बिकॉज हमारे पास जो इमेज है ना, वो एफ और सी के बीच में कहीं भी बनेगी, तो थोड़ा बहुत फर्क आ भी जाएगा, तो इसके आप मार्क्स नहीं कटेंगे। अब ये दोनों लाइनें जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, वहां पर मेरी क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। ये मेरी बन गई इमेज, जी। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट ए बी, ऑब्जेक्ट ए बी, ऑब्जेक्ट ए बी की इमेज क्या बनी, ए डैश बी डैश, ठीक है। तो ये अब एरो उल्टा आ गया, यानी कि ऑब्जेक्ट की इमेज कैसी बनी, उल्टी बनी, इन्वर्टेड बनी। तो ये हमारी इमेज बन गई, ठीक है। अब क्या हुआ यहाँ पर, अगर मैंने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखा तो मुझे इमेज कहाँ मिली, लोकेशन किधर है, एफ और सी के बीच में, ठीक है। इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के मुकाबले में थोड़ा छोटा बना, ठीक है। एंड इमेज कैसी बनी, रियल और इन्वर्टेड। ऑब्जेक्ट जो था वो कहाँ पर था, मिरर के सामने, इमेज भी मिरर के सामने बना, मिरर के पीछे बिहाइंड द मिरर नहीं बना, ठीक है। तो इस सवाल के तीन जवाब देने, नंबर वन लोकेशन, लोकेशन किधर है, बिटवीन एफ एंड सी, ठीक लोकेशन इज बिटवीन एफ एंड सी, ठीक है। तो जब भी ये सवाल आएगा तो हम डायग्राम को ड्रॉ करेंगे और तीनों पॉइंट का जवाब देंगे। लोकेशन जो है ना वो एफ एंड सी के बीच में बनी, ठीक है। साइज कैसा बना, अगर ऑब्जेक्ट के मुकाबले में साइज बड़ा बनता है, इसे बोलते हैं मैग्निफाइड। अगर साइज सेम हो तो सेम साइज, और अगर साइज छोटा बने तो इसे क्या बोलेंगे, डायमिनिश, यानी कि साइज कैसा बना, छोटा बना। अच्छा, उसके बाद नेचर। तो ये हमें मालूम है कि हमारे पास जो कॉनकेव मिरर है, ये हमेशा आमतौर पे रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है, ठीक है। और यहाँ पर ऐसी ही हुआ है, जो इमेज बनी वो कैसी है, रियल और इन्वर्टेड है, ठीक है। तो ये हमारे केस की पहली डायग्राम ड्रॉ होगी, यानी कि अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखा हुआ है तो इमेज कहाँ बनेगा, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी। हमने करना क्या है कि ऑब्जेक्ट की टिप से एक लाइन को ड्रॉ करना है एक्सेस के पैरेलल, ये लाइन मिरर को स्ट्राइक करने के बाद फोकस से पास होगी। फिर लाइन की टिप से हमने एक और लाइन को ड्रॉ करना है जो कि कहाँ पे स्ट्राइक कर रही है, पोल को स्ट्राइक कर रही है, ठीक है। तो पोल को स्ट्राइक करेगी तो हमारे पास यहाँ पे जो टेंजेंट होगा वो एग्जैक्टली एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अच्छा, लाइन कहीं भी स्ट्राइक करेगी वो हमेशा रिफ्लेक्शन के लॉ को लाजमी फॉलो करेगी। जब लाइन यहाँ पे स्ट्राइक करेगी तो हमारा टेंजेंट कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मल लाइन हमारी बिल्कुल इस तरीके से नहीं बनेगी, जिस तरीके से एक्सिस बना हुआ था वो डिफरेंट होगी, ठीक है। तो जब लाइन स्ट्राइक करेगी पोल को तो जो एंगल एक्सिस से इस लाइन का बना था, अंदाजा हम उसी एंगल से लाइन को ड्रॉ करेंगे। और हमें पहले से मालूम होगा कि अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो इमेज जो है ना वो एफ और सी के पीछे बनेगी। तो थोड़ा बहुत आगे पीछे फर्क आ भी सकता है, इससे कितना फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारी क्या बन गई, इमेज। कुछ बातें मैं और आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब ये रहा ऑब्जेक्ट और ये हमारा मिरर, मिरर का पोल। तो ऑब्जेक्ट से लेके पोल तक का जो डिस्टेंस होता है वो कहलाता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो हम बिल्कुल लाइट पेंसिल से, ठीक है, बिल्कुल लाइट पेंसिल से यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे, यानी कि जब भी इस तरह की डायग्राम बनानी होगी, लेकिन यहाँ पे जरूरत तो नहीं है, लेकिन जहाँ पे नीड हो तो वहाँ पे हमने लेबलिंग भी करनी होती है, खास तौर पे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, टेलीस्कोप में, ठीक है। और ये हमने डिस्टेंस नोट कर लिया, ये डिस्टेंस हमारा क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। यानी कि ऑब्जेक्ट से लेकर मिरर तक का फासला कहलाता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, से बोलते हैं पी। यहाँ पे हमारी इमेज बनी,
इमेज से लेकर जो हमारा मिरर था, तो मिरर तक का फासला, तो हम पोल से फासला काउंट करेंगे, तो यहाँ से लेके पोल तक का फासला, ठीक है, ये हमारा क्या बन जाएगा, क्यू बन जाएगा। ठीक है, और जो फोकस पॉइंट था, फोकस पॉइंट से लेके पोल तक का फासला, ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा एफ, यानी कि फोकल लेंथ। तो जहां पे हमें लेबलिंग की जरूरत होगी, तो हमने ऐसे करना है कि जहां पे हमारा ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट से हम बहुत ही मतलब एक लाइट पेंसिल से लाइन ड्रॉ करेंगे, मिरर से लाइन ड्रॉ करेंगे, इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, तो इस लाइन से लेके इस लाइन तक का फासला पी बन जाएगा, इस लाइन से लेके इस लाइन तक का फासला क्यू बन जाएगा, और इस लाइन से लेके इस लाइन तक का फासला क्या बन जाएगा, एफ बन जाएगा। इसे हम एरो से शुरू करेंगे, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला हमारा क्या बन जाएगा, क्यू बन जाएगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला हमारा क्या बन जाएगा, एफ बन जाएगा, यानी कि फोकल लाइन। ठीक है, एनीवेज इन केस में हमें लेबलिंग की जरूरत नहीं है, तो ये हमारा पहला केस है कि अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, लोकेशन, साइज और नेचर, ये हमें तीन बातें मालूम करनी थी। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा जो अगला केस है, अगर ऑब्जेक्ट हमारा एग्जैक्टली पॉइंट सी पर है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी। अब इसे मैं रिमूव कर देता हूँ, पैक कर लेते हैं, बल्कि नई डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं। अच्छा, हमने सी और एफ को भी रिमूव कर दिया, ये हमारा पॉइंट सी था, ठीक है, अगेन ब्लू ही को सही देते हैं, ठीक है, यहाँ से लेके 200 के पास लेकर यहाँ पर हमारा क्या है, पॉइंट एफ है, सॉरी, अगले 200 के पास ले पर हमारा क्या है, पॉइंट सी है। ठीक है, अच्छा, जो अगला केस है ना, वो उसको ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल है, असल में यहाँ पे ज्यादा एक्यूरेसी रिक्वायर्ड है, ठीक है, उसके अलावा किसी और केस में एक्यूरेसी इतनी रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन इस केस में एक्यूरेसी ज्यादा रिक्वायर्ड है। ठीक है, हमारा अगला केस क्या है, यानी कि अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट किधर है, एट सी है, इफ द ऑब्जेक्ट इज एट सी, अगर ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो होगा क्या, तो इमेज भी कहाँ बनेगी, एग्जैक्टली इसी के नीचे बनेगी और सेम साइज की बनेगी, लेट्स ड्रॉ इट। ठीक है, तो हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखना है, ऑब्जेक्ट को रखना है हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे रखूँ, ठीक है, ऑब्जेक्ट की टिप से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि एक्सेस के पैरेलल होगी, ठीक है, अच्छा, अब ये लाइन कहाँ से पास होगी, ये लाइन पास होगी फोकस पॉइंट से, ये लाइन पास होगी फोकस पॉइंट से, उसके बाद ऑब्जेक्ट के टिप से एक और लाइन ड्रॉ करेंगे जो के स्ट्राइक करेगी पोल को, और तकरीबन सेम एंगल से ये लाइन जो है ना वो कहाँ, मतलब है कि इधर से पास होगी। अच्छा, अब ये जो हमारे पास इमेज है वो एग्जैक्टली सी पर बनना चाहिए, लेट्स सी, अब ये देखिए ये हमारे पास क्या बन रही, इमेज बन रही, तो बिल्कुल मामूली सा फर्क है, ठीक है, और मेरे ख्याल में साइज में भी हल्का सा फर्क है, लेकिन अगर मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली सी पर होगा तो उसकी इमेज भी एग्जैक्टली सी पर बनेगी और साइज भी एग्जैक्टली सेम होगा। फर्ज करें कि अगर ये साइज 2 सेंटीमीटर है तो इसका साइज भी 2 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ऑब्जेक्ट ए बी, ठीक है, ए बी, ऑब्जेक्ट ए बी की इमेज क्या बनी, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, ठीक है, नोट्स में लिखा हुआ होगा यहाँ पर लोकेशन क्या है, एग्जैक्टली एट सी, ऑब्जेक्ट इज एट सी, लोकेशन यानी कि तो इमेज भी कहाँ पर है, सी पर है, ठीक है,
इमेज का साइज क्या है, सेम साइज, और नेचर क्या है, रियल और इन्वर्टेड। तो हमें इन तीन बातों का जवाब देना होगा। तो ये हमारे पास सेकंड केस हो गया, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं टुवर्ड्स द थर्ड केस। थर्ड केस में हमारे पास जो ऑब्जेक्ट था वो किधर आ जाएगा, वो आ जाएगा एफ और सी के बीच में। तो अब हमारे पास थर्ड केस के अंदर ऑब्जेक्ट किधर आ गया, एट। एट बिटवीन एफ एंड सी, इसे काट देते, बिटवीन एफ एंड सी, यानी कि हम ऑब्जेक्ट को जो ना एफ और सी के बीच में रखेंगे। लेट्स ड्रॉ इट, ठीक है। तो हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया एफ और सी के बीच में, यहाँ कहीं रख देते ऑब्जेक्ट को, लाइन स्ट्रेट लाइन रख देते, ठीक है। तो अंदाजन जो हमारे पास मिरर की हाइट थी, तकरीबन सेम हाइट ले लेंगे। ठीक है, टिप से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि जाएगी एक्सिस के पैरेलल। ये लाइन फोकस से पास होगी, ठीक है। टिप से हम एक और लाइन लेंगे जो कि स्ट्राइक करेगी पोल को। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट करीब आता रहेगा, ये वाला एंगल बढ़ता रहेगा, ठीक है। और जिस एंगल से इसने पोल को स्ट्राइक किया था, अंदाजन उसी एंगल से जो है ना, ये लाइन जो है हम उसको एक्सटेंड करेंगे। ये अंदाजन सेम एंगल था, तो ये लाइन थोड़ी बड़ी होनी चाहिए थी, इसको बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये वो जगह है जहां पर क्या बनेगा, हमारे पास इमेज बनेगा। तो ये हमारे पास क्या बन गई, इमेज बन गई, ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट था ए बी, ठीक है। अब ये एरो उल्टा आ गया, तो ये हमारा ए डैश बन गया और ये हमारा बी डैश बन गया। तो ऑब्जेक्ट ए बी की इमेज क्या बनी, ए डैश बी डैश, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ पर था, एफ और सी के बीच में था, लेकिन इमेज कहाँ बनी, इट इज बियॉन्ड सी। तो नंबर वन पॉइंट, नंबर लोकेशन कहाँ पर है, बियॉन्ड सी, ठीक है। साइज कैसा है, ऑब्जेक्ट के मुकाबले में बड़ा है, यानी कि मैग्निफाइड है, ठीक है। और नेचर कैसी है, तमाम केस में नेचर कैसी होगी, रियल और इन्वर्टेड, यानी कि इमेज कैसी है, रियल और इन्वर्टेड है, ठीक है। सवाल एक केस के उसको मैंने पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड केस हो गया, और आगे बढ़ते हैं। जी, अब हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है ना वो एफ पे रखा हुआ है, एग्जैक्टली फोकस पॉइंट पे रखा हुआ है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली एफ पर रखा हुआ है, तो हमारे पास इमेज कहाँ बनेगी, साइज क्या होगा, नेचर क्या होगा, ठीक है। ड्रॉ करते हैं, हमारा ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली एफ पे रखा हुआ है, तो हमने सबसे पहले ड्रॉ किया ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट की टिप से एक लाइन जाएगी एक्सेस के पैरेलल। ये लाइन कहाँ से पास होगी, ये लाइन पास होगी फोकस पॉइंट से। फिर ऑब्जेक्ट की टिप से एक और लाइन को ड्रॉ करेंगे, ये लाइन कहाँ जाएगी, पोल पर, ठीक है। और ये लाइन भी कहाँ से पास होगी, ये लाइन सेम एंगल से, यानी कि जो एंगल एक्सिस का बन रहा है, ठीक है, इस लाइन के एक्सिस से बन रहा था, तो एक्सिस से तकरीबन उसी एंगल से लाइन पास होगी, ठीक है। अब ये दोनों लाइनें ऑलमोस्ट पैरेलल जा रही है, इसका मतलब है कि जो इमेज है ना वो इनफाइनाइट डिस्टेंस से बनेगा या बहुत ही हाईली मैग्निफाइड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे यानी कि अगर मैं ऑब्जेक्ट को एफ पे रख रहा हूँ, तो मुझे इमेज कहाँ मिलेगी, ठीक है, बहुत ज्यादा दूर, यानी कि एट इनफाइनाइट, ठीक है। इमेज का साइज क्या होगा, हाईली मैग्निफाइड, यानी कि बहुत ज्यादा बड़ा होगा, ठीक है। एंड नंबर थ्री, नेचर क्या होगी, अब इमेज कहीं भी बनेगी वो तो मिरर के सामने ही बनेगी, मिरर के पीछे नहीं बनेगी, यानी कि नेचर क्या होगी, अगेन रियल और इन्वर्टेड, ठीक है। अब हम आते हैं अगले केस की तरफ।
ऑब्जेक्ट को हमने एफ और पी के बीच में रख दिया, यानी कि बिटवीन एफ एंड पी, बिटवीन एफ एंड पी, पोल और फोकस, यानी कि फोकस के अंदर, विद इन द फोकल लेंथ हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया। तो यहाँ पे हम कहीं ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट की टिप से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे एक्सिस के पैरेलल, वो लाइन लेंस को जहां पे स्ट्राइक करेगी वहां से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि फोकस से पास होगी, ठीक है। अब उसके बाद हम ऑब्जेक्ट की टिप से लाइन ड्रॉ करेंगे टुवर्ड्स अ पोल, अच्छा। अब जो ये एंगल बन रहा था ऑलमोस्ट उसी सेम एंगल से ही हम एक और लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और ये लाइन ऐसे ड्रॉ हो गई, ठीक है। अब ये दोनों लाइनें जो है ना वो डाइवर्ज हो रही हैं, तो यानी कि इन्होंने आगे जाकर कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करना। हाँ, अगर मैं बैक साइड में इनको लेके जाऊंगा तो ये बैक साइड में इंटरसेक्ट कर सकती है, तो मैं इसको अलग तरह से शो कर देता हूँ, ठीक है। तो या भाई तरह के डॉटेड लाइन से अगर मैं इसे इस तरीके से मजीद एक्सटेंड करूँ, और इसे भी एक्सटेंड करूँ, तो अब यहां पर कहीं मुझे इमेज बनती हुई नजर आ रही है। तो इट इज द ओनली केस जब हमारे पास इमेज जो है ना वो कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। अब दो बातें होंगी, एक तो इमेज कैसी बनी बिहाइंड द मिरर, और दूसरी बात है कि इस दफा इमेज इन्वर्टेड नहीं बनी बल्कि कैसी बनी, अपराइट या इरेक्ट बनी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट को मैंने क्या बोल दिया, ए बी, ये हमारा ऑब्जेक्ट है ए बी। तो ऑब्जेक्ट की इमेज कैसी बनी, ए डैश बी डैश, तो ये हमारा क्या हो गया, ए डैश बी डैश, ठीक है। तो हमारे पास ये वाहिद केस है जहां पर अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को फोकस के अंदर यानी कि बिटवीन एफ एफ पी रखूंगा तो उसकी इमेज बजाय रियल एंड इन्वर्टेड की वो कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी कि अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को फोकस के अंदर रखूंगा तो जो हमारा कॉनकेव मिरर था वो एज अ कॉन्वेक्स मिरर बिहेव करेगा, बिकॉज ये प्रॉपर्टी होती है कॉन्वेक्स मिरर की कि वो हमेशा कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, जबकि जो कॉनकेव मिरर था वो कैसी इमेज बनाता है, रियल एंड इन्वर्टेड। लेकिन अगर मैंने ऑब्जेक्ट को फोकस के अंदर रख दिया तो हमारे पास उल्टा हो जाएगा। अब लोकेशन क्या है, ठीक है, अगर मैंने एफ एंड पी, एफ और पी के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा तो इमेज कहाँ बनेगी, लोकेशन बिहाइंड द मिरर, ठीक है। साइज कैसा होगा, मैग्नीफाइड होगा, लेकिन नेचर कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। तो ये हमारा पांचवा केस था, ठीक है। एक केस अभी भी रहता है अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, ठीक है। अच्छा, इस बात को ध्यान में रखें कि जितना ज्यादा ऑब्जेक्ट दूर होगा एंगल कम होता रहेगा, यानी कि ऑब्जेक्ट की टिप से लेके पोल तक एंगल कम होता रहेगा, और जितना ज्यादा करीब आता रहेगा एंगल बढ़ता रहेगा। फर्ज करें कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट इधर है, तो हमारे पास ये लाइन बन जाएगी टुवर्ड्स द पोल, ठीक है। अब ये एंगल इसके मुकाबले में कितना कम हो गया, ऑब्जेक्ट को मैं और दूर ले गया, वही ऑब्जेक्ट है तो हाइट सेम रहेगी। अब जब मैं ऑब्जेक्ट से लेके पोल तक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ तो एंगल और कम हो गया, इसका मतलब है कि अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर चला जाएगा तो ये एंगल ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो अब मोस्टली क्या होता है कि जब हमारे पास ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, तो सिर्फ पैरेलल लाइन सारी होती है, ठीक है। अब हम कर रहे हैं अपना आखिरी केस, ठीक है। अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट कहाँ है, एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, ठीक है, तो यहाँ पे हम खाली ड्रॉ कर देंगे पैरेलल लाइन, यानी कि जितनी भी लाइंस आ रही होंगी ऑब्जेक्ट से भी आ रही होंगी तो वो भी बिल्कुल एग्जैक्टली एक्सिस पर आ रही होंगी, ठीक है। तो ये लाइनें कैसी पैरेलल आ रही है, अब जितना मर्जी दो ड्रॉ कर ले, तीन ड्रॉ कर ले, चार ड्रॉ कर ले, और जितनी भी पैरेलल लाइंस हैं, जितनी भी पैरेलल लाइंस हैं, ये तमाम लाइंस कहाँ से पास होंगी, फोकस से पास होंगी, ठीक है। अब मैं दो लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, इस वाले केस में आप ऊपर नीचे दो लाइन ड्रॉ कर लें, और दोनों लाइनों को आप कहाँ से पास करा दें, फोकस से पास करा दें, ये लाइन भी फोकस से पास होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, फोकस से बनेगा, ठीक है, उसका इमेज यहाँ फोकस से बनेगा, ठीक है, और इमेज बिल्कुल पॉइंट साइज होगा, बहुत ज्यादा छोटा होगा,
ठीक है, इमेज विल बी वेरी स्मॉल, ठीक है, बहुत ज्यादा हाईली डायमेंशन का पॉइंट साइज, ठीक है। तो ये इस आखिरी केस में हमारे पास लोकेशन क्या है, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट मेरा इनफाइनाइट है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं नजर नहीं आ रहा है, तो इमेज कहाँ बनेगा, यानी कि लोकेशन किधर होगी, एट एफ, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद साइज कैसा होगा, साइज क्या होगा, वेरी डायमिनिश या पॉइंट साइज, यानी कि वेरी डायमिनिश, वेरी नहीं हाईली कर लेते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा छोटा, तकरीबन पॉइंट साइज, इसे हम पॉइंट साइज भी कह सकते हैं, ठीक है। साइज जो भी हो, नेचर वैसी होगी, रियल और इन्वर्टेड, क्योंकि हमारे पास जो इमेज है ना वो मिरर के सामने बन रही है, ठीक है, भले बहुत छोटा साइज हो लेकिन ये इन्वर्टेड ही कहलाएगा, ठीक है। तो सिग्नेचर कैसी हो जाएगी, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी है हमारे पास कौन के, मिरर की, कि ये हमेशा रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है, और सॉरी कॉनकेव की, हम कॉनकेव को पढ़ रहे हैं, और जो कॉन्वेक्स लेंस है वो कैसी इमेज बनाता है, इरेक्ट एंड वर्चुअल। तो यहाँ तक के लिए इतना ही, बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।